नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, काफ़ी समय पहले मैंने एयर पोटैटो प्लांट पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एयर पोटैटो को हम कैसे ग्रो करें और कैसे उसकी देखभाल करें। उस वीडियो का आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला जिसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह से एयर पोटैटो को घर पर ग्रो कर सकते हैं पॉट में या ज़मीन में। बट काफ़ी लोगों का कमेंट था कि मैं एयर पोटैटो के फ़ायदे के बारे में बताऊं, तो आज की वीडियो में हम एयर पोटैटो के यूजेज और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह रतालू यानी याम की एक प्रजाति है। एयर पोटैटो का साइंटिफिक नेम डिस्कोरिया बल्बिफेरा है और इसे आम बोलचाल की भाषा में गेठी नाम से भी जाना जाता है बहुत से क्षेत्रों में। इसके अलावा इसे एयर याम, बिटर याम, एरियल याम और मराठी में करांडे नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मानसून सीजन में यह बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इसे बरसात के मौसम में बहुत अधिक उगाया जाता है और बाद में इसे हार्वेस्ट करके स्टोर कर लिया जाता है, जिसका यूज ये पूरे विंटर सीजन करते हैं। एयर पोटैटो वाइन एक पेरेनियल प्लांट है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग का जो समय है वह रेनी सीजन है। रेनी सीजन में ही इसमें फ्रूट लगते हैं और वाइन पर लगने वाले एयर पोटैटो का साइज लगभग मीडियम साइज के आलू जितना ही होता है, लेकिन इसके रूट में जो ट्यूबर बनते हैं उनका साइज काफ़ी बड़ा होता है। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथों में जो फ्रूट है यह वाइन के ऊपर लगते हैं और यह लगभग नॉर्मल आलू जितना ही इसका साइज़ है। बट ये जो बड़े साइज़ का आप ट्यूबर देख रहे हैं प्लांट के रूट में बनता है और इसका साइज़ इससे भी बड़ा हो सकता है। चाहे वाइन पर लगने वाले फ्रूट हो या ट्यूबर, दोनों ही खाए जाते हैं और दोनों के ही काफ़ी मेडिसिनल यूजेज हैं। और दोस्तों, एयर पोटैटो का इस्तेमाल भोजन और मेडिसिन दोनों रूप में किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड, सेपोनिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, टर्पेनाइड और अल्कालाइड जैसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी पैरासाइट, एंटी कैंसर और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसमें विटामिन B1, B6 और फोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एयर पोटैटो को भूनकर, उबालकर और फ्राई करके खाया जाता है और नॉर्मल आलू की तरह इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। काफ़ी स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक भी है। और गले की सूजन यानी गंडमाला हो जाने पर एयर पोटैटो को पीसकर गले पर लगाया जाता है। इससे गले की सूजन कम होती है और दर्द में भी आराम मिलता है। इसके अलावा बवासीर के दर्द और ब्लीडिंग को कम करने में बहुत ही यूज़फुल है। बवासीर से परेशान व्यक्ति को नियमित रूप से एयर पोटैटो की सब्जी का प्रयोग करना चाहिए या इसे आग पर भून कर खाना चाहिए। इससे बवासीर में काफ़ी फायदा होता है। एयर पोटैटो कुष्ठ रोग में बहुत ही फायदेमंद है। एयर पोटैटो के ट्यूबर को कुष्ठ रोग में पीस करके लगाया जाता है। इससे घाव जो है वो जल्दी भर जाते हैं और जो दर्द है उसमें भी आराम मिलता है। इसके अलावा ये कई प्रकार के चर्म रोग में भी बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपको त्वचा संबंधी किसी भी प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है तो आप इसके ट्यूबर को पीस कर लगा सकते हैं। यह हर तरह के चर्म रोग में बहुत ही फायदेमंद है। एयर पोटैटो किसी भी तरह के सूजन को कम करने में बहुत ही यूज़फुल है। अगर किसी जगह चोट लगने से सूजन हो जाए तो एयर पोटैटो के कंद को पीस कर सूजन वाली जगह पर लगाना चाहिए। इससे सूजन कम होता है और किसी भी तरह की खुजली या दर्द में भी आराम मिलता है। एयर पोटैटो में न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को बनाए रखने में बहुत ही यूज़फुल है। इसलिए एयर पोटैटो न सिर्फ हमें शारीरिक रूप से हेल्दी बनाए रखने में मदद करती बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। यह कमज़ोर पाचन शक्ति वाले लोगों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। यह हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी से हमें कितनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें डाइजेशन से जुड़े अनेक बीमारियों से बचने में मदद करता है। किए गए रिसर्च में पता चला है कि एयर याम या एयर पोटैटो में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर में कैंसर सेल यानी कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, तो इस तरह से यह हमें कैंसर जैसे भयानक बीमारी से भी सुरक्षित रहने में मदद करता है। तो इसलिए आप इसे अपने डाइट में जरूर शामिल करें, यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी एयर पोटैटो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि एयर पोटैटो में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके किसी भी प्रकार के हार्ट डिसीज के रिस्क को भी कम करता है। एयर पोटैटो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। एयर पोटैटो की तासीर गर्म होती है। यह सर्दी, जुकाम, खांसी और अस्थमा जैसे श्वास संबंधी रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह फोड़े, फुंसी और किसी जहरीले जीव के काटने पर इसके ट्यूबर को पीस कर लगाने से दर्द और सूजन में भी आराम मिलता है और घाव और फोड़े ठीक हो जाते हैं। मूत्र संबंधी रोगों जैसे पेशाब में जलन होना या पेशाब का रुक रुक कर आना आदि समस्याओं में भी एयर पोटैटो को भून कर खाने से फ़ायदा होता है। इसके अलावा पेट दर्द, थकान और दस्त होने पर भी एयर पोटैटो का सेवन करने से लाभ होता है। यह पीलिया के उपचार में बहुत ही फायदेमंद है, जिसे जॉन्डिस या येलो फीवर भी कहा जाता है, जिसमें इंसान की आँखें, नाखून और धीरे धीरे पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। ऐसे में भी एयर पोटैटो को भूनकर खाने से काफ़ी लाभ होता है। तो दोस्तों, इस तरह से इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं।
हम इसे पेट भरने के लिए भोजन के रूप में तो इस्तेमाल करते ही हैं, साथ ही इसके इतने सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, तो इसे आप ज़रूर ग्रो करें और इसे अपने डाइट में शामिल करें। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह स्वाद में थोड़ा सा कड़वा होता है, इसलिए इसे भूनकर या उबालकर अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। और प्रेग्नेंट महिलाओं को एयर पोटैटो के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। एयर पोटैटो के असली स्वाद और हेल्थ बेनिफिट के लिए इसे काउडंग केक या गोबर के कंडे की आग में भूनकर खाना चाहिए। हालांकि अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं और आपको गोबर के कंडे या उपले नहीं मिल पाते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से उबाल कर भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को आर पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।